हेलो दोस्तों हमारे चैनल वी ऑनलाइन टिप्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यानी बिलासपुर यूनिवर्सिटी में वार्षिक परीक्षाएं यहां पर ऑनलाइन और ब्लैंडेड मोड पे लिए जा रहे हैं इसलिए दोस्तों आपको उत्तर पुस्तिका कॉलेज से ही लाना पड़ेगा और उस उत्तर पुस्तिका में आपको आंसर लिख के कब तक जमा करना पड़ेगा उस पर एक ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है दोस्तों आपको उत्तर पुस्तिका के साथ और क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है सारा डिटेल इस वीडियो में होने वाली है सो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें दोस्तों आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल के ब्राउजर को ओपन करेंगे आपको सर्च पर आकर बिलासपुर यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना है या आप बिलासपुर यूनिवर्सिटी डॉट ए सी डॉ इन लिख के जैसे ही सर्च के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से बिलासपुर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स आपके यहाँ पर क्विक लिंक पर क्लिक करना है जैसे है आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से जो है बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं यहाँ पर आपको कॉलेज नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा यहाँ आपको क्लिक करना होगा जैसे जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे आपको थोड़ा सा नीचे आना होगा यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर देख सकते हैं वार्षिक परीक्षा दो हजार इक्कीस बाईस की उत्तर पुस्तिका प्रश्न पत्रों का वितरण एवं उत्तर पुस्तिका के संग्रह के संबंध में यह एक नोटिफिकेशन है वह जारी हुई है दोस्तों इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ नोटिफिकेशन लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर हमें क्लिक करना पड़ेगा जैसे फ्रेंड्स हम नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं हमारा यहाँ नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर ओपन हो जाता है दोस्तों आप देख सकते हैं यह पंद्रह चार दो हजार बाईस को जारी हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर वार्षिक परीक्षाएं हैं वह ऑनलाइन और ब्रांडेड मोड पे लिए जा रहे हैं दोस्तों आपको अपना उत्तर पुस्तिका लिख कर कॉलेज में कब जमा करना है इस बारे में अलग अलग कोर्स वाइज यहाँ पर पूरा डिटेल से बताया गया है दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं परीक्षार्थियों को बत्तीस पृष्ठ की उत्तर पुस्तिका का वितरण एवं अभिप्रमाणक पत्रक में प्रविष्टि का जो डेट है वह सोलह चार दो हजार बाईस से लेकर तेईस चार दो हजार बाईस तक चलने वाला है इसके साथ ही दोस्तों जो नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वह अभी बिलासपुर यूनिवर्सिटी से एग्जाम देंगे तो उसका भी डेट यहाँ पर दिया गया है 20 अप्रैल 2022 से तेईस अप्रैल 2022 के बीच आप दोस्तों कॉलेज से अपना 32 पेज का उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं साथ ही दोस्तों यहां पर एक अभिप्रमाणक पत्र हो होता है वह आपको डाउनलोड कर लेना होगा उसमें जो है आपको जो है नोट किया जाएगा दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड और अभिप्रमाणक पत्र कैसे डाउनलोड करना है उस बारे में मैंने ही पहले पूरा डिटेल वीडियो बना दिया है सो उस वीडियो के लिंक में आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा वह वीडियो जाकर पहले जरूर देखें दोस्तों आप अपना क्वेश्चन पेपर यूजर आईडी से लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं या जैसे ही दोस्तों वेबसाइट पर प्रश्न पत्र जारी हो जाएगा उस बारे में एक अलग से पूरा डिटेल वीडियो आ जाएगा दोस्तों आपका क्वेश्चन पेपर कब आएगा वह आपके एडमिट कार्ड जब आप प्रिंट करेंगे वहाँ पर आपको शो हो जाएगा तो जिस जो जो डेट दिया होगा उसी डेट पर आपको जो है क्वेश्चन पेपर आने वाला है दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन दिया गया है इसमें बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट है यानी परीक्षार्थी हैं उनको उत्तर पुस्तिका तभी मिलेगा जब उसके पास अभिप्रमाणक पत्र होना चाहिए दोस्तों जल्दी से आप जो वीडियो को देखें और अपना अभिप्रमाणक पत्र जो है डाउनलोड कर लें और अपने कॉलेज में जाकर आप अपना उत्तर पुस्तिका ले सकते हैं दोस्तों यहाँ नंबर पर आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि निर्धारित जो समय अवधि है उसके अंदर ही छात्रों को अपना जो हस्तलिखित उत्तर पुस्तिका लेकर कॉलेज में जमा करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर एंसर सीट जमा करने के टाइम में जो है वृद्धि नहीं की जाएगी ऐसा कहा जा रहा है इसीलिए आपको जो डेट दिया गया है उसी डेट पर आपको अपना जमा करना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर थर्ड नंबर पर बताया गया कि जो परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के अंत में एक प्रमाण पत्र देना होगा कि जो है प्रश्नों के उत्तर उनके द्वारा ही लिखा गया है और दोस्तों वहाँ पर आपको हस्ताक्षर भी करने पड़ेंगे नीचे बताया जा रहा है कि परीक्षार्थियों को जो उत्तर पुस्तिका में रोल नंबर और जो अनुक्रमांक दोस्तों यहाँ पर जो प्रश्न पत्र का जो नाम है स्पष्ट रूप से आपको लिखने होंगे दोस्तों आप सारे डिटेल अच्छे से नहीं भरेंगे तो वहाँ पर आपको जो है आंसर शीट को चेक नहीं किया जाएगा इसके बाद दोस्तों जैसे इस पेज में नीचे आते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले कोड देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पर परीक्षा का नाम और दोस्तों आपको अपना आंसर शीट कॉलेज में कब जमा करना है उसके बारे में यहाँ पर डेट दिया गया है सबसे पहले बीए पार्ट वन की जो है रेगुलर कैंडिडेट की बात करें तो उनका जो है कोड वन है और यहाँ पर जो उत्तर पुस्तिका जमा करने का डेट है वह पाँच पाँच दो हज़ार दिया गया है उसी प्रकार बी पार्ट टू का जो है नौ पाँच दो और जो है उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बीएससी का जो है पार्ट थ्री पार्ट वन और पार्ट टू के यहाँ पर जो है डेट है वह तेरह पांच दो हजार बाईस दिया गया है तरह दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कोर्सेज का अलग अलग डेट है दोस्तों जो भी आप कोर्स कर रहे होंगे आपको इस जो है पीडीएफ में देख लेना होगा की आपका कौन सा कोर्स है और आपको जो है अपना एंसर कॉलेज में कब जमा करना पड़ेगा दोस्तों यह सारा डिटेल आपको एडमिट कार्ड में भी देखने को मिल जाएगा जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपका जो है क्वेश्चन पेपर कब आएगा और उस क्वेश्चन पेपर को आपको लिख के कब सबमिट करना है वह भी डेट पूरा दिया गया है यह छोटा सा इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं अगर मन में कोई भी डाउट हो तो आप नीचे हमें क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में